ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्वेन wadीतमस्तु ओम शान्ति शान्ति ही। सर्वेभ्यो नमः देशवाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हादत मित्रों अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्त है पंचमो अध्याय पंचम अध्याय प्रथम पाद और कक्षा संख्या आज हम पढ़ेंगे बारह में ग्यारह कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं आप सभी पाठकों को ज्ञात है के अभी कुछ दिवस से कक्षाएं हमारी रुकी हुई थी इसका कारण आपको पता है कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है ठीक है अभी मैं एक मैंने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है यहाँ पर एक ऊंचा सा स्टूल रख के और सामने चेयर रखी है उस पर कुछ <laughs> कंबल आदि रख लिया है जिससे पैर में आराम से वहां पर रख लिया है ठीक है लगभग आठ नौ दस दिन हो गए फिर भी बिल्कुल हम सावधानी के साथ में कार्य कर रहे हैं ठीक है पक्के प्लास्टर से ही ठीक कार्य हो जाए दर्द आदि कुछ भी नहीं है परंतु मूव नहीं कर सकते खड़े हम यहां पर नहीं हो सकते हैं ठीक है ये हमारी मजबूरी है असहायता है परंतु कई दिन हो गए कक्षाएं बंद हैं और हमारे जो पाठक निरंतर पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत अटपटा सा लगता है जब कक्षाएं रुक जाती हैं तो।, तो थोड़ा सा मैं तैयार हुआ हूं आपके लिए आप सभी परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये पैर जल्दी से ठीक हो जाए प्लास्टर से ही ठीक हो जाए ठीक है तो फिर अच्छी प्रकार से कक्षाएं चलने लगेगी तो आप सभी से एक निवेदन है कि अभी जो कक्षाएं होंगी वो थोड़ी सी लॉन्ग टाइम की नहीं हो पाएंगी जैसे हम 40 या 45 मिनट की कक्षा ले रहे थे तो अब 20 या 25 मिनट्स की हम बनाएंगे अभी जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाता है मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं आ पाता हूं तब तक ठीक है अब देख नहीं पा रहे होंगे मैं दिखा भी नहीं सकता आपको पैर ऊपर भी नहीं कर सकता बिल्कुल एकदम जिस स्थान पर रख दिया इधर उधर करता हूँ तो फिर उसमें थोड़ा सा हल्का पैन होता है परंतु तो कोई नहीं कार्य तो करना ही है ठीक है बेड पर लेटे हुए हैं तब भी सावधानी से यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठेंगे आप के साथ में जान की चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा ठीक है चलिएगा तो कोशिश करते रहेंगे प्रयास करेंगे कभी बीच में यदि कक्षा मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं आपको हम पूरा प्रयास करेंगे ठीक है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है अष्टाध्याय भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमा अध्याय उस पर क्लिक कीजिएगा पीछे की कक्षाओं को आप पढ़ लीजिएगा और शुरू से पढ़ना चाहते हैं शुरू की कक्षाएं सभी उपलब्ध हैं आपके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सअप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं मित्रों ठीक है ये तीनों नंबर हैं इस पर संपर्क कर सकते हैं इस पर इस पर आपको लिंक आदि चाहिए निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगे चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा मैंने गत कक्षा में आपको यहां तक पढ़ाया था मुख्य रूप से ये दुगोरबा पांच एक पचासीवा सूत्र हो गया था अगले दिन कक्षा पढ़ाने वाला था तो अगले दिन ये हो गया फ्रैक्चर इसलिए तो यहां से हम पढ़ना आरंभ करेंगे ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया था पचासी मां आगे का सूत्र है हमारा छियासीवा पांच एक छियासी चलिए मित्रों तो, सूत्र है रात्र संवत्सराच पदछेद रात्र संवत्सरा पंचमी भक्ति एक वचना च अव्य पदम समास रात्रिश्च आहश्च संवत्सरश्च रात्र्यह सम्बत सरम तस्मात रात्र्यह सम्बत सराक समाहारो तंदह समाहार तंद समास है ठीक है अनुवृत्ति द्वि गौर तमधिष्टो भृतो भूतो भावी तद्धिताह न्या प्राप्त प्रत्ययः परश्च इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है चलिएगा इसका अर्थ करते हैं गुरुजी अर्थ द्वितीय समर्थाद रात्रि अहह सम्बत्कर इत्तेवमन्तात् द्विगु संयकात प्रातपदिकाद अधिष्टादि स्वर्थेषु वाख प्रत्ययो भवति ठीक है कहते हैं कि द्वितीय समर्थ रात्रि आह और इन ये शब्द अंत में होने चाहिए अंत में इसलिए होने चाहिए क्योंकि आगे कह रहे हैं दुगु संज्ञा क्योंकि दुगु संज्ञा तभी होगी पहले कोई संख्यावाची शब्द हो पहले संख्यावाची होगा अंत में ये शब्द हो तो ऐसे दुगु संज्ञा प्राप से अधीष्टादि जो अर्थ हैं उन चार अर्थों में क्या है ख विकल्प करके ख प्रत्यय होता है ठही प्राप्त था इसको तम भूतो भाभी ठीक है भूत भावी इन चार अर्थों में तो ये कह रहे हैं आप विकल्प से ख कर दिया और पक्ष में ठही है ठीक है इसमें क्या था वास्तव में यह सूत्र था दुगोष दुगोरवा दुगोरवा विकल्प करके खो रहा था ठीक है ये और यहां पर पक्ष में यहां पर क्या कर दिया ठीक कर दिया इन्होंने ठीक है तो दुगोरवा तो समा शब्द है, समा शब्दांत से करता था तो इससे वास्तव में क्या है तमधिष्टो वृतो भूतो भावी से क्या प्राप्त हो रहा था इसमें ठय प्राप्त हो रहा था तो पक्ष में ठय भी हो जाएगा ठीक अब इसके जो उदाहरण दिए हैं उदाहरणों को देखिएगा एक बार उदाहरण द्विरात्रिण द्विरात्रिकेण त्रैरात्रिक द्व्यहीना द्वैयहनिका त्रयहीना त्रैयहनिका द्विसंवत्सरीना द्विसंवत्सरिका त्रिसंवत्सरीना त्रिसंवत्सरिका ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा सिद्धियां मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है देखिए ये शब्द क्या है ये तो द्विरात्रि शब्द बन गया द्विरात्रि संख्या पूर्व दुगुह से समास हो गया है संख्या पूर्व तो पद समास हुआ फिर संख्या पूर्वो दुगुह से क्या हो गई दुगु संज्ञा ठीक है इतना हो गया अब यहां पर ये हो गया द्विरात्रि समझ लीजिएगा थोड़ा सा द्विरात्रि ठीक है अब ये द्वितीय समर्थ से इसको प्रत्यय लाना है समर्थ से, तो द्वितीय समर्थ से ये आम आ जाएगा आपका और ये ख प्रत्यय हो गया इससे क्या हो गया ख लुक आदि हो जाएगा और कुछ वृद्धि आदि ख को इन हो जाएगा आपका आई नहीं फम से इन हो गया और रेफ को मान करके अट कु पीछे अणक्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा द्विरात्रीण और स्वाद उत्पत्ति करके द्विरात्रिण बन गया ठीक है और द्वैरात्रि कहा यहां पर क्या है यहां पर वृद्धि हो जाएगी यहां पर आदिच को जो ठयी तो हो जाएगा जब ठी होगा ये पक्ष में ये ठहीं होगा तो आदेश को वृद्धि होकर के द्वईरात्रिक बन गया ठीक है ऐसे ही त्रिरात्रि ना त्रिरात्रि शब्द से त्रिरात्र का ये ठही हो गया यहां पर है द्व्य ही नहा यहां पर द्वि शब्द है ध्यान देंगे ठीक है और अहन शब्द है क्या है तो यहां पर ये देखिएगा मैं बता देता हूं इसको भी ये द्वि और ऐसे होगा इसका द्वि और आउ, आ, आउट, और आहन और ये आउट ठीक है ऐसे विग्रह करेंगे इसका और यहां पर द्वितीय समर्थ है ये आउट है ठीक है तो इनका तद जो तो समास हो गया अब ये समास होकर के क्या शब्द बन गया हमारा ये शब्द बन गया द्वि द्वी का ई आगे कोर्ण चिलक गया चिलक करके क्या हो जाएगा दिव्या और अहन ठीक है अहन और इस सूत्र से क्या हो गया प्रत्यय हो गया ख प्रत्यय और को इन हो गया ये हो गया आपका इन ठीक है अब यहां पर पीछे भी हमने आपको बता दिया था यहां पर क्या है अहनष्ट खोरेब क्या अह नष्ट खोरेब आहन शब्द के खा अहन ट ख प्रत्यय के टी टीका लोप हो जाता है तो ये ख प्रत्यय इसका टी का लोप हो गया तो क्या बन गया ये ये ऐसा बने गया आपका दिव्या और ये अन का लोप हो गया और इन उसमें जुड़ गया तो दिव्या कहा तो गया ये बनेगा दिव्या ही न स्वाद उत्पत्ति करके और जब ख नहीं होगा क्या ख नहीं होगा तब क्या होगा तो जब ख नहीं होगा तो ये बनेगा द्व या निक अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना ये कैसे बन गया यह मैं लिख के बताया तो हमारा पूरा ये बन गया ये ऐसा बन जाएगा द्वि यहां पर एण आदेश नहीं होगा अभी ठीक है इसको अलग अलग स्थिति रहेगी द्वि और ये आहन ऐसा हाँ एण आदेश हो जाएगा एक मिनट आदेश होकर के ये पहले जैसा ही शब्द बन गया दिव्या और अहन और अब यहां पर क्या हो गया ठीक निकल पे ठह हो गया ठीक है अब ठी अब यहां पर देखना है अब यहां पर ठही को इक हो गया ठीक है ठहीं को क्या हो गया इक हो गया और दे, दे अब यहां पर क्या पोना हा। क्या अनंत को पोना है सूत्र कई बार लगाया अल्लोपोना से क्या हो गया भसंजक अनंत का आकार का लोप हो गया आकार का लोप हो गया आपका ठीक है अब अब इसको ये ठही था इत मान करके तद्धितेश चामादेशे वृद्धि प्राप्त थी इसको समझ लीजिएगा पहले भी समझाया कई बार चामादे से क्या थी इसको वृद्धि प्राप्त थी इसको आकु तो यहां पर है एक सूत्र है आगे ठीक है तो उस सूत्र से क्या होता है यहां वृद्धि नहीं होकर के ऐच चागम हो जाता है न नवाभ्याम पदाताभ्याम पूर्व मैच। वृद्धि ना, ना होकर के यकार से वकार से पूर्व हो जाता मान यकार से पूर्व में इसको वृद्धि तो नहीं होगी पर एक से पूर्व में क्या हो जाएगा अच्छा आगम हो जाएगा माने या को आई और व को औ तो यहां पर या है यह या तो यहां पर बीच में क्या आ जाएगा यहां पर आई आ जाएगा ये ऐसा ठीक है तो अब हमारी स्थिति क्या बन जाएगी ये अब हमारी बन गई द्वी और या और ये हा और ये जुड़ जाए इसमें अ और ये न और क्वि यहन कहा ऐसा बन गया ये ध्यान देंगे ऐसा बनाया ठीक है यहां पर अहनष्ट खोरे लग करके त्रहीण बन जाएगा इसके समान अणत्व हो जाएगा नुम भी पीछे अणत्व केवल हो जाए विशेष बस बाकी समान है त्रई त्रई यहन कहा यहां पर भी क्या है लगेगा से हो जाएगा ठीक वृद्धि 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 नहीं हो जाए, है ठीक है यह द्वि द्विंवत् शब्द से रेखा होकर द्विसंबत्सरी बन गया आराम से ठीक है द्विसंबत्सारी का यहां पर विशेष है थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा यहां पर क्या है ऐसा शब्द है हमारे पास में द्वि पूरा हमने लेंगे समाज कर दिया हमने द्विशम सर ठीक है जी सर अब द्विसंबत सर।, सर और द्वितीय समर्थ यहां पर प्रत्यय हो रहा तो खा ये ये ए, इसको तो आराम से बन जाए खा का अब ये ठई का है को ये ठई हो गया आपका और ठई को एक हो गया दिख रहा होगा आपको हाँ आप दिख रहा है ठीक ठय को इको हो गया ध्यान दीजिएगा अब ठै को एक हो गया तो अब यहां पर ये तदितेश वृद्धि प्राप्त थी इस ई को वृद्धि प्राप्त होती है आदिच को पर यहां में वृद्धि है ही नहीं यहां तो वृद्धि इसमें दिख रही है अ में संवत्स में तो यहां पर क्या है संख्या याह सम्बत सर सम्बतरस्य च एक सूत्र है अभी दिखा दूंगा में अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र है कि संख्यावाची कोई शब्द है तो उससे उत्तर उत्तर पद यदि सम्बत सर है तो संख्यावाची आदि अक्ष को वृद्धि नहीं होती है तदित्यशोचाम आदि से किसको होते सम्बत सर के आदि उत्तर पद के आदि को वृद्धि होती है क्या होती है आ, उत्तर पद के आदिच को वृद्धि होती है तो आदि को वृद्धि उत्तर पद है तो इसके आदि तो और यहां से लोप हो गया, तो क्या बन जाएगा यह रखना है आपको ऐसे त्रिशंवत्सरी आराम से बन जाएगा और त्रि कह यहां पर भी हो जाएगा कोशिश करता हूं सूत्र दिखाने का यह सूत्र है सात तीन पंद्रह ध्यान दीजिए। आप अपनी पुस्तक में भी देख लीजिएगा क्या कहता है संख्यावाची से उत्तर संबत्सर और संख्या संख्या शब्द को क्या हो जाता है उत्तर पद को वृद्धि उत्तर पद के आदि को वृद्धि होती है संख्या या उत्तर से संबत्सर शब्द से संख्या अचाम आदि चह स्थाने वृद्धि भवति तदते इति इणकी कितनी च परतह तो तो यहां पर ये उदाहरण देते हूं तो उत्तर पद के आदि को स के अ वृद्धि होगी द्विपुर पद के आदि को वृद्धि नहीं होगी तो इससे हो जाती है चलिए और उसमें जो आय चारम किया था हमने उसमें द्वय यहने का हम यहने का हम तो वो ना पदांताभ्याम पूर्व ताप्यामची इससे होता है ठीक है थोड़ा आराम कर लेते हैं <laughs> दो सेकंड का वही तो थक जाते हैं इसमें जब शरीर में कोई रोग होता है तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है चलिएगा ये हो गया अब हमारा आगे का सूत्र है वर्ष वर्षाल वर्षात पंचमी व्यक्ति एक वचनात्म लुक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम ठीक है अनुवृत्ति दुगोर्वा वा खा तमधिष्टो वृतो भूतो भावी चार अर्थ आ रहे तद्यता न्याप्रात्पतिकात प्रत्यय परश्चय इनके अनुवृत्ति आ रही है ठीक है अर्थ हाँ। द्वितीय समर्थात वर्ष शब्दांता दुगो हो प्रातिपदिकात अधिष्ठादिश्वर्थेषु वा खह प्रत्ययो भवती पक्षे ठई तयोश्च वा लुग भवती तेना ठीक है? कहते हैं द्वितीय समर्थ वर्ष शब्द अंत में है ऐसे द्विगु संजक प्रातपदिक से अधिष्ठादी अर्थों में विकल्प करके ख होता है क्या है विकल्प करके ख प्रत्यय होता है पक्ष में ठय हो जाता है और कहते हैं लुक का आया तयोश चमने उन दोनों का ठही और ख का दोनों का ही कह दिया ठही और ख का क्या विकल्प करके लुक हो जाता है तो क्या हो जाता है दोनों का लुक करेंगे तो एक ही रूप बनेगा भाई तो ठही का भी लुक कर दिया ला करके अथवा ख उसका ख का कर दिया तो रूप तो वैसा वैसे ही बनेगा और एक ठही का बनेगा एक ख का बनेगा ठीक है तो विकल्प तो लुक भी हो जाता है उससे क्या होता है तेन त्रय रूपम में सिद्ध होती तेन तीन रूपों की सिद्धि हो जाती है क्या है तीन रूपों की सिद्धि हो जाती है यह उदाहरण द्विवर्षिण व्याधि द्विवार द्विवर्ष त्रिवर्षीण त्रिवार्षिक त्रिवर्ष इसका अर्थ है चार अर्थ हो सकते हैं दो वर्ष अधिष्ट अर्थ तो लगेगा नहीं इसमें क्या मुख्य रूप से व्याधि का उदाहरण दिखाया है इसलिए आ, दो वर्ष ना भृत का अर्थ लगेगा वास्तव में इन्होंने केवल ये भूत और भावी का दिखा दिया है परंतु कहीं साहित्य में इससे इस उदाहरण से इस अधीष्ट अथवा भृत अर्थ भी दिखाई देता है तो उसमें भी ये एकदम सटीक बैठ जाएंगे तो कहते हैं द्विवर्षीण व्याधि तो दो वर्ष हो गए हैं जिस व्याधि को उस रोग को क्या कहेंगे द्विवर्षीण तो द्विवर्ष शब्द से ख प्रत्यय करके द्विवर्षीण बन ये कोई वो सारी वही प्रक्रिया है और यह बन गया ये ठह हो गया यहां पर क्या है यहां पर भी आदेश को वृद्धि प्राप्त थी तद्य के शुचा दे के पर रहते द्वि के को वृद्धि प्राप्त थी क्या थी द्वि के को वृद्धि प्राप्त थी परंतु नहीं हुई किसको हुई है इसको हुई है इसके लिए भी सूत्र वर्ष भविष्य अभी बता दूंगा मैं ठीक है तो यहां पर क्या है कोई संख्यावाची शब्द है तो उसके बाद में वर्ष शब्द आता है तो क्या है उसके उत्तर पद जो वर्ष है उसके आदेश को वृद्धि होती है पूर्व पद के आदेश को वृद्धि नहीं होती है तो तदित का वो अपवाद है अपवाद्या भविष्य तो द्वैव बन जाता है एच बनता है द्विवार्षिक यहां बनता है बोलते हिंदी में द्विवार्षिक का कार्यक्रम है द्विवार्षिक या द्विवार्षिकी परीक्षा ठीक है तो द्विवार्षिक परीक्षा आदि ऐसे अब क्या है जब ख लाए तो भी उसका लुक कर दिया तो गया, तो भी लुक कर तो क्या है? बिना प्रत्येक बनेगा द्विवर्ष ऐसा कैसा चाहे का लुक करिएगा चाहे ख का लुक करिएगा दोनों का एक ही रूप बनेगा द्विवर्ष तीन रूप बनेंगे त्रिवर्षीण त्रिवार्षिक वर्ष ऐसे ही बन जाए ठीक है अब यहां पर वृद्धि का निषेध करने वाला पूर्व पद की वृद्धि का निषेध करने वाला सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूं ये वर्षस्या भविष्यति वर्षस्या भविष्यति तो ये क्या कहता है ये कहता है संख्या या उत्तरस्य वर्ष शब्दस्य से जाम आदि अचा वृद्धि भवती तद्यते इनति इनति की चपरता सचे तद्य तो भविष्य अर्थे न भवित भवती अब इसका मतलब क्या है ये जो दिखाया है भविष्य का अर्थ हो गया भाभी यदि भाभी अर्थ में प्रत्यय लाएंगे वहां पर तो फिर तो क्या बनेगा द्वैवार्षिक बनेगा ध्यान देंगे ये क्या है भविष्यत अर्थ वाला प्रत्यय नहीं होना चाहिए इतने तिकित ठीक है अब यहां पर आप ये समझ लेना है आपको यदि वृत ये भूत और वृत्त और अधिष्ट अर्थ में तो यही बनेगा परंतु भावी भावी अर्थ यदि भावी अर्थ हमने लिया तो फिर द्विवार्षिका नहीं बने द्विवर्षीय ये द्विवार्षिका नहीं बने द्वि बनेगा परंतु भावी इसको नहीं लिया जाता वास्तव में भूत अर्थ में लिया है ठीक है तो इसलिए वर्षस्य भविष्यति से अब भविष्यत अर्थ वाला कोई भी इति तद्धित प्रत्यय परे हो तो क्या है उत्तर पद के आदि अक्ष को वृद्धि होती है वर्ष शब्द के आदि अक्ष को थीके? तो अक्ष बनता है ऐसे ही बनेगा त्रत्रिवार्षिक चलिएगा ये हो गया और आगे इसी से संबंधित सूत्र है हमारा तवति नित्यम चित्तवती सप्तमी लक्ते वचनांतम नित्यं प्रथमा विभक्ति अविज्ञांतम अनुवृत्ति वर्षात् लुक दुगोहोतम दिष्टो वृतो भूतो भावी तद्धिता न्याप्रातिका प्रत्यय परिस्थिति अर्थः द्वितीय समर्थाद् वर्ष शब्दान्तद् दुगु संज्ञाका प्राप्त प्रतिका चित्तवती प्रत्यर्थे विधे दिश्टादिस्वर्थेषु उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य नित्यं लुक् भवति पूर्वेण विकल्पेन प्राप्ते वचनम् कहते हैं द्वितीय समर्थ वर्ष शब्दान्त में ऐसे दुगु संज्ञा प्राप्त कैसे जिसको कहा जा रहा है प्रत्यय के द्वारा प्रत्ययार्थ जो है वो कैसा होना चाहिए चित्तवती माने चेतनमान होना चाहिए कोई चेतन प्राणी को कहा जा रहा हो तो कहते हैं उसका तो नित्य ही लुक होगा नित्य ही लुक रहेगा उसका खाका और का बनेगा ही नहीं नित्य ही लुक होगा उसका तो एक ही रूप बनेगा पूर्व से सूत्र से विकल्प प्राप्त था नित्य कर दिया उदाहरण दिया द्विवर्षो दारक का अर्थ है यहां पर बालक बच्चा तो मैंने ये इसका क्या होगा द्वे वर्षे भूते अस्य दारक सदारक द्विवर्ष अब चेतन को कहना होगा तो ध्यान देंगे आपको द्विवार्षिक बच्चा नहीं होता कोई भी <laughs> यदि किसी बालक को कहना है किसी व्यक्ति को कहना है तो वहां पर तो प्रत्यय आता है प्रत्य आकर के उसका लुक हो जाता है तो इसलिए यदि मैं मानिएगा कोई मेरा बच्चा है वो दो साल का हो गया तो द्विवर्ष बालक ऐसा होगा द्विवार बालका नहीं होगा क्यों तो चित्तवती नित्यम से चेतनवान यदि कोई है तो उसका प्रत्येक का लुक हो जाता है चाहे खा हो चाहे हो ठह ठीक है तो ये हो गया आपका चलिएगा तो ये हो गया आपका सूत्र इसमें तो कुछ नहीं है लुक हो गया ठीक है चलिए अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे ठीक है आज इतना ही करते हैं ठीक है धीरे 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 प्रभु की कृपा से ठीक हो ही जाएंगे आप सभी की शुभकामनाओं से और हमारे जो हमारे से भी बड़ी आयु के पाठक हैं उन सभी का आशीर्वाद भी है शुभकामनाएं भी हैं ठीक है थीके? हाँ तो चलिएगा निरंतर इस चैनल का भरपूर लाभ लीजिएगा और हमने बहुत सारे कोर्स बना दिए हैं ठीक है ये लंबे लंबे कोर्स सब बना रहे हैं ठीक शास्त्री है शास्त्रीय कोर्स हैं ठीक है आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये ध्यान रखें इसलिए हमारा पूरा ध्यान है हमें 20 वर्ष तक काम करना है 20 वर्ष तक काम परमात्मा की कृपा रही तो जरूर करेंगे बीच में कहीं कभी कभी विघ्न आ ही जाते हैं उसमें कोई ऐसा दुख होने वाले दुखी होने वाली बात नहीं है दुख करने की बात नहीं है अरे जी ये हो गया होता रहता है संसार में रहते हैं तो कुछ उठापटक लगी रहती है जीवन में ठीक <laughs> है फिर उसका समाधान हो जाता है फिर आगे चल पड़ते हैं चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं सर्वेभ्यो नमः